गाजियाबाद के ABES इंजीनियरिंग कॉलेज में जय श्री राम बोलने पर छात्र को मन से उतार दिया गया है और अब ये मामला बड़ा ही तूल पकड़ने लगा है। बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने महिला प्रोफेसर पर जिन्होंने छात्र को नीचे उतारा था उस पर NSA लगाने की भी मांग की है। वही कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट हैक भी कर ली गई है। इस पर छात्र को मन से उतारने वाली महिला प्रोफेसर की तस्वीर को शूर्पणखा की तरफ भी लगाया गया है। एसोसिएट महिला प्रोफेसर ने इस पूरे केस में अपना पक्ष रखते हुए साफ कहा है कि उन्हें जय श्री राम स्लोगन से कोई दिक्कत नहीं होने की बात है। ABES इंजीनियरिंग कॉलेज मैनेजमेंट ने प्रोफेसर डॉक्टर ममता गौतम और डॉक्टर स्वेता शर्मा को सस्पेंड तक कर दिया है। जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ये कार्रवाई हुई है। ये जानकारी मीडिया प्रभारी डॉक्टर तरुण अरोरा ने दी है। विवाद को देखते हुए कॉलेज के बाहर पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। इधर वीडियो वायरल होने के बाद शनिवार को हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता कॉलेज के गेट पर पहुंच गए। अध्यक्ष भूपेंद्र तोमर उर्फ पिंकी चौधरी अपने समर्थकों संग ABES कॉलेज पहुंचे। वो कॉलेज गेट बंद करके वहीं धरना देकर बैठ गए। गेट पर एक बैनर लगा दिया जिस पर लिखा था जय श्री राम बोलना अपराध है। कार्यकर्ताओं ने वहीं पर हनुमान चालीसा पढ़ी। इसके बाद कॉलेज निदेशक संजय सिंह निकल कर बाहर आए। उन्होंने जानकारी दी कि दोनों प्रोफेसरों को कॉलेज से निलंबित कर दिया गया है। इस पर कार्यकर्ता शांत हुए। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। इस केस में विरोध स्वरूप पहला बयान हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र तोमर उर्फ पिंकी चौधरी का आया। उन्होंने कहा कि कॉलेज अपने प्रोफेसर को सस्पेंड करने वरना मैं शनिवार दोपहर 12 बजे कॉलेज गेट पर जानकर धरना दूंगा। राम जी हमारे देश के हर युवा के दिल में बसते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ममता गौतम ने इस बात पर कहा है कि आज कल्चर प्रोग्राम के दौरान जो भी घटित हुआ है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जय श्री राम का स्लोगन है, उससे हमें, मेरे सहयोगी या कॉलेज वालों को कोई परेशानी नहीं है। वो स्टूडेंट्स मेरी सहयोगी से बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट कर रहा था, इस वजह से हम वहाँ गए। डिसिप्लिन एंड कल्चरल कोऑर्डिनेटर होने के नाते बच्चे को हमने समझाया। जो जातिगत टिप्पणी है मेरे बारे में, ये मुझे बहुत परेशान कर रही है। मैं सनातनी हूँ, ब्राह्मण हूँ, ब्रज की रहने वाली हूँ, शारदीय नवरात्र चल रहे हैं इसलिए मैं 9 दिन व्रत भी रखती हूँ। जय श्री राम स्लोगन से ना परेशानी है ना कभी होगी। वायरल वीडियो से मैं परेशान हो गई हूँ। अगर अब किसी ने मेरे खिलाफ जातीय टिप्पणी की तो उसके खिलाफ न्यायालय में जाऊँगी।